on you. द्वारा से हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। इन्होंने जो एवोल्यूशन निकाला पिछली बार, मैं तो हम ये कहेंगे कि दो दिन के बाद कौन सा रिजल्ट निकलता है, ये तो पहली बार हुआ है, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। दो दिन में रिजल्ट, दो 28 तारीख को हमने दिया था ये पेपर, लास्ट पेपर, फिर उसके बाद एक रिजल्ट आया, फिर इन्होंने निकाला। जब रिजल्ट निकाला तो एक सब्जेक्ट वो जो शो हो रहा है वो भी बैकलॉग रखा है, वो भी इंग्लिश का है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, जिसका जो सब्जेक्ट शो हो रहा है वो यही हो रहा है, मगर बैकलॉग रखा है, आधों का हो रहा है, दो दो सब्जेक्ट कल अब कश्मीर में जितने भी कॉलेज थे उनका हो रहा है, सब सब ऐसा ही है। छह दिन हो गए थे इन्होंने, मतलब क्या उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला, इवोल्यूशन निकाला, क्या ये हो सकता है पूरे कश्मीर, मतलब पूरा कश्मीर यूनिवर्सिटी, पूरा मतलब यहाँ पे कितने कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन्होंने छह दिन के अंदर अंदर रिजल्ट निकाला, इवोल्यूशन इनका निकाला, क्या ये हो सकता है कि एक एक मतलब एक बुक ये पास रखते हैं, दो का ये नहीं दिखाते हैं? या अगर मैं अपना मतलब मैं अपना रिजल्ट बोलूं, फिफ्थ सेमेस्टर का उन्होंने मुझे दो किताबों का स्टार रखा है, तीन तो इन्होंने क्लियर रखा है, मगर दो का, फिर मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली, वहाँ पे उन्होंने उसका भी इवोल्यूशन नहीं निकाला, क्या ये हो सकता है? हमने 28th को हमने मतलब खत्म एग्जाम किया था 6th सेमेस्टर का, तो इन्होंने छह दिन के अंदर अंदर इसका इवोल्यूशन निकाला, क्या ये हो सकता है? अब यही हमारी गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द हमारी मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट करें। हमारी यही मांग है कि जो जो बच्चा चार महीने मेहनत करता है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है कि वो चार ही मार्क्स सब्जेक्ट में ला सकता है? हमारी यही मांग है कि हमारे पेपर्स को नए से रिचेक किया जाए, और क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, लैंग्वेज पेपर है, क्या उसमें यह हो सकता है कि चार महीने इंसान पढ़ाई करे, मेहनत करे, फिर वो एग्जाम दे, एग्जाम में उसके चार ही मार्क्स आ सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि चार महीने कोई स्टूडेंट मेहनत करे और उसके बाद वो एग्जाम फिर दो मार्क्स या चार मार्क्स आए, जिसका भी इवोल्यूशन इशू हुआ है सबका यही है। हम जो भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा ये टॉप सब्जेक्ट होगा, उसमें भी हम रिपेयर दिखा रहा है हमें, और ये इसी सेमेस्टर का हाल नहीं है, ये हमारे पिछले चौथे सेमेस्टर का है, फिफ्थ पांचवें सेमेस्टर का है, तीनों सेमेस्टर का यही हाल है। अब इनके हमें रिवॉल्यूशन भरना है, रिवॉल्यूशन के लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग से 500 रुपये भरने हैं, हम कहाँ से ये 500 अफोर्ड कर सकते हैं? अभी था कि हमें साल भर पढ़ाए, उसने मेहनत से हमारी पढ़ाई शुरू करवाई, पढ़ाई हमें यहाँ पढ़ाया, और हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, स्टाफ से हमें कोई शिकायत ही नहीं है, हमारी शिकायत जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से।